हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीटेर सीबीगंज बरेली में। देखिए, इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और धुआंधार टॉपिक ये आपके लिए है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप जरा देख लीजिए इधर ध्यान से। टॉपिक का नाम है हमारा बीज गणितीय मान, अलजेब्रिक वैल्यू। अब ये अलजेब्रिक वैल्यू क्या होती हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, ये इस वीडियो में जानेंगे। और बेटा ये देख लीजिए, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो बहुत हद तक आप बीजगणितीय मान जो है निकाल सकते हैं। और ये किसके लिए वीडियो लाभदायक हो सकती है, ये क्लास फिफ्थ से लेकर के नाइन्थ तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इसको आपने अगर देख लिया तो हम कहते हैं कि आपने बहुत कुछ सीख लिया इस वीडियो में। अब हम आपके लिए बताते हैं कि बीजगणितीय मान क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं और कैसे हम इनको लिए सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम आपके लिए एक बात बता देते हैं कि बीजगणितीय मान के लिए एक यहाँ पर आपके लिए एक बहुपद दिया होगा। क्या दिया होगा? बहुपद, एक बहुपद होगा। और इस बहुपद में क्या है, आपके लिए मान निकालना पड़ेगा कोई भी एक्स चर वाली वैल्यू दी होगी, एक्स चर वाली। तो क्या करेंगे भाई, एक बहुपद दिया होगा तो अगर हम मैं आपके लिए लिखूं कि बहुपद हमारा पी एक्स है, क्या है पी एक्स, यानी अगर हमारे पास बहुपद पी एक्स है और ये आपके लिए दिया गया है तो आपको किसी भी बिंदु पर इसका मान निकालना पड़ेगा। तो क्या मान हो सकता है, जैसे मैं आपके लिए बताऊं, अगर सपोज दैट हमने माना कि x बराबर एक वैल्यू दी गई है x बराबर x1 और दूसरी वैल्यू x बराबर x2 और तीसरी वैल्यू x बराबर x3, ये दे रखी हैं। अब आप ध्यान से समझना, ये x की वैल्यू है। अब ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है। तो आपके लिए ये जो मान होगा उसको इस पॉलिनोमियल में यानी इस बहुपद में आपको रखना है और इसका मान निकालना है। तो कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिए, हमने ये रखा पी एक्स, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है और आपके लिए x बराबर x1 पर मान निकालना है, x1 पर मान, ये x बराबर x1 पर मान लिखी है तो x बराबर x1 पर एक मान निकालना है। तो बच्चे यहां पर देखिए ध्यान से, आपके लिए पॉलिनोमियल है पी एक्स। अब आप x की जगह x1 रखोगे तो मैंने रख रहा हूं, देखो p x की जगह रखो x1 बराबर में, अब कोई वैल्यू आएगी, कोई मान ही तो आएगा, कोई संख्या ही तो आएगी। तो हमने मान लिया p और इसमें x1 रखने पर एक मान आया जिसको हमने मान लिया यहां पर मान m, m मान लिया। ध्यान से सुनना, अब पी एक्स वन बराबर एम आ गया, यानी एम जो हो गया उसका बीजगणितीय मान हो गया। क्या हो गया? बीजगणितीय मान, बीजगणितीय मान हो गया उसका, ठीक है। तो बीजगणितीय मान हो गया एम, यानी हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है। अब तो कहोगे कि आपको ये तो बहुत छोटा लग रहा है, तो भाई यहाँ पर जब सवाल करोगे बच्चे तो यहाँ पर आपके लिए पॉलीनोमियल थोड़ा बड़ा सा होगा और आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना होगा कि m का मान कैसे निकालेंगे, यानी किसी भी x वैल्यू पर आपको मान निकालना है। अब देखिए ध्यान से बच्चे, हमने ऐसे ही x की जगह x2 रख दिया। अब रखो पी एक्स की जगह एक्स टू बराबर, अब एम की जगह ना कर कोई वैल्यू और आएगी तो हमने मान ली सपोज दैट एन वैल्यू आई है, यानी इसका मान एन आया है, तो ये भी क्या होगी, बीजगणितीय मान होगा, ये भी बीजगणितीय मान होगा। ऐसे ही मैंने कहा एक्स बराबर एक्स थ्री पर है तो पी और यहाँ पर एक्स टू की जगह पर आप लिख दो एक्स थ्री, तो इसका भी मान कुछ और आएगा। तो हमने मान लिया इसका मान आएगा p, तो m n p, इसकी p वैल्यू आ गई तो ये भी बीजगणितीय मान होगा। तो बच्चे यहां पर आपने देखा कि बहुत सारी x की टर्म्स पे हमने इस बहुपद का मान निकाला और इसे ही हम कहते हैं बीजगणितीय मान निकालना। बच्चे अब हम आपके लिए मेन बताते हैं, अभी हमने आपके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया है, अभी हमने आपके लिए ये बताया कि कैसे हम इसको निकालेंगे और अब हम लेंगे आपके लिए सवाल कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है और कैसे सवाल होते हैं।
तो पहला सवाल हमारा इधर है, ध्यान से देखिए। पहला सवाल हम बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पर, पहला सवाल देखेंगे ध्यान से। पहला सवाल हमने लिखा पी एक्स बराबर, लिखा हमने पी एक्स बराबर एक्स क्यूब, और यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया बच्चे। अब जानते हो ये पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, आपके ये देख लिया आपने, ये समीकरण हमारे पास है। अब हमें इसका मान निकालना है किस पर, x बराबर 2 पर और x बराबर 4 पर। ये वैल्यू हो गई, आपसे कहा जाएगा कि x बराबर 2 पर और x बराबर 4 पर इनका मान निकालिए। तो भाई मेरे यहाँ पर मान निकालने के लिए हम पहुँचते हैं इसकी तह तक। देखिए हमने जैसा कि कहा कि आप मान रखोगे इसका x की जगह पर, तो पहले आप x की जगह पर 2 रखोगे, तो मैं लिखूंगा p और x की जगह लिखूंगा 2 बराबर में x क्यूब। x क्यूब लिखा है तो x की जगह आप 2 लिख दो, तो 2 का क्यूब हो गया और माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, तो 2 का क्यूब 8 होगा, क्योंकि 2 को आप 3 बार गुणा कर लो, 3 बार गुणा कर ली और माइनस यहाँ 2 को 2 बार कर लो, तो ये हो गया। तो यहाँ पर 2 को करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस का यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 8 में से 4 गया 4, क्लियर है। तो ये आपके लिए जो वैल्यू आ गई वो बीजगणितीय मान हो गया, यानी अल्जेब्रिक टर्म हो गई आपके लिए, और यही आपका इसके लिए आंसर हो गया। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर दूसरे वैल्यू की, दूसरे मान की। तो दूसरा मान कैसे निकालेंगे ये भी आप देखेंगे इसी में। तो हमने लिखा पी और 2 की जगह पर अब आ जाएगा 4, तो P 4 आ गया x की जगह पर, अब यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, तो 4 का क्यूब और माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ गया। अब आप देखिए 4 का क्यूब करना है, तो यहाँ पर देखिए आप 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 को 3 बार लिख लिया और यहाँ लिख लिया 4 को 2 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 चक्के 16 और चक्के 64, ये 64 और माइनस 4 जगह 16, तो 64 में से 16 घटा दीजिए आप, तो यहाँ 14 में से 6 चला जाएगा आपके लिए 8 बचेगा, और 5 में से 1 गया आपके लिए 4 बचेगा, 48 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब तो ये आपने देखा कि इस तरीके से कर सकते हैं आपके लिए, और यह बहुत ही छोटा सवाल है। अभी अभी आप देखना कितना हम बड़ा सवाल लिखते हैं फिर आपको कराते हैं। आप देखिए दूसरा सवाल इससे थोड़ा और टफ, थोड़ा और टफ लेते हैं, थोड़ा बड़ा वैल्यू का लेते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल हम आपके लिए दिखाते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने लिखा पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये लिख दिया भैया। अब तो इसमें 3 टर्म आ गई, इसमें 2 टर्म थी, इसमें 3 टर्म आ गई, 3 पद आ गए। अब 3 पद के लिए निकालना है x की वैल्यू, तो मैं यहां पर x बराबर ले लेता हूं भैया माइनस 1, माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 एक्स बराबर ले लिया। अब इसका बड़ा लॉजिक है, एक्स बराबर माइनस 1 का क्या लॉजिक है हम आपको बताते हैं। अगर यहां पर पहले मैं जरा लिख देता हूं, अगर माइनस 1 की पावर अगर आपके लिए विषम संख्या है, विषम संख्या अगर आपके लिए माइनस 1 की पावर विषम संख्या है, तो आएगा आपके लिए माइनस 1, और अगर माइनस 1 की पावर सम संख्या है तो आपके लिए आएगा प्लस 1। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे, और कैसे रखेंगे इसी सवाल में यूज करके आपके लिए बताएंगे। तो देखिए ध्यान से बच्चे, यहां रखो p माइनस 1 बराबर x क्यूब लिखा है, तो x क्यूब यानी माइनस 1 का क्यूब, ये हो गया, माइनस 2 गुणे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे एक्स है तो माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना, जरा देखना बच्चे ध्यान देना, माइनस 1 की पावर क्यूब है यानी विषम संख्या है, तो माइनस 1 की पावर विषम माइनस 1, माइनस 1 हो जाएगा। तो हमने लिखा माइनस 1 फिर माइनस 2, अब सुनो माइनस 1 का स्क्वायर है, अब माइनस 1 की पावर सम संख्या है तो कैसा आएगा प्लस 1, तो आप लिखोगे प्लस 1, और प्लस यहां पर 4 के गुणा माइनस 1 से हो जाएगी तो भैया माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4। अब कर लो माइनस 1 माइनस 2 एकम 2 और यहां पर माइनस का 4, अब तीनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 4, यानी 2 1 3 और 4 7,
तो माइनस का सात इसकी वैल्यू आ गई, पी माइनस वन बराबर कितना, माइनस का सात। अब ये आपके लिए अल्जेब्रिक मान हो गया, यही आपके लिए क्या हो गया, इसके लिए आंसर हो गया बच्चे। तो हमें इसको ध्यान रखना है, हमें ऐसी वाली वैल्यूज के लिए इनका ध्यान रखना है जब एक्स बराबर माइनस वन हो, या कोई भी वैल्यू माइनस वन में होगी बच्चे, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि जो भी माइनस में है आप उस पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस वन, माइनस टू, ऐसी वैल्यू है अगर माइनस की, तो आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा बेटा क्या दिक्कत होती है, यहाँ पर प्लस और माइनस में दिक्कत हो जाती है, इसलिए आपका सवाल गलत हो जाता है। अब हम आपके लिए बताते हैं कि आप तीसरा सवाल लेते हैं, और बहुत ही कठिन सवाल लेते हैं, एक बड़ा सा थोड़ा सा लंबा सवाल होगा, लेकिन सवाल वैसे ही करना है। अब देखिए इधर रुक करते हैं, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, आपके लिए थोड़ा हम लॉन्ग सवाल यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये तीसरा सवाल हमारा होने वाला है, और तीसरे सवाल में हमें पता चलेगा कि कितना आपके लिए सवाल बड़ा है और कैसे हमें करना है। तो सवाल ले लेते हैं हम यहाँ पर, सवाल है एक्स क्यूब, ये पी एक्स बराबर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस का चार एक्स और प्लस का दो। अब ये सवाल हमने ले लिया, और आपको दिख भी रहा होगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस दो, ये सवाल है। अब इस सवाल को बच्चे क्या करेंगे, इस सवाल के लिए आपको क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, एक्स बराबर वो भी माइनस वन पर, एक्स बराबर माइनस वन पर, क्योंकि खतरा बच्चों के लिए माइनस वन में आता है, माइनस वन में, एग्जैक्टली सही बता रहा हूँ आपके लिए, माइनस वन में बच्चे के लिए खतरा आता है, वो सोचता है ये माइनस आ गया, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अब ये समस्या उत्पन्न करेगा हमारे लिए। लेकिन बच्चे चिंता नहीं करनी है, याद बस रखना है माइनस वन की पावर विषम है तो माइनस, माइनस वन की पावर सम है तो प्लस वाला, इसको ध्यान रखना है। तो सवाल करते हैं, देखे ध्यान से, एक्स का क्यूब है तो हमने लिख दिया माइनस वन का क्यूब माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर प्लस चार गुणे एक्स की मान माइनस वन और प्लस दो। अब आपके लिए ध्यान ये रखना है बच्चे कि माइनस वन वाला बस रूल ध्यान रखना है। फिर से हम एक बार आपके लिए बता देते हैं, देखो माइनस वन की पावर अगर आपके लिए विषम संख्या है, विषम संख्या तो क्या आ जाएगा भैया, माइनस वन, माइनस वन की पावर अगर सम संख्या है, सम संख्या है तो क्या आ जाएगा, प्लस वन। बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कह रही है माइनस वन की घात तीन है तो भैया ओड नंबर है, विषम संख्या है तो माइनस वन, तुरंत लिख लिया माइनस वन। फिर माइनस टू, माइनस वन की स्क्वायर है यानी सम संख्या है तो पॉजिटिव वन, तो दो की गुणा वन से, और ये चार एकम चार हो जाएगा, माइनस का चार और प्लस का दो। अब देखिए माइनस वन और दो एकम दो माइनस दो, और ये माइनस चार प्लस का दो। अब देखिए आप सिंपल सॉल्व किए, दो और एक तीन माइनस का तीन और माइनस का चार प्लस दो, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन रहते हैं माइनस के, चार और तीन सात माइनस का सात और प्लस का दो, यानी सात में से दो गया पाँच, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए आपसे कोई कहे कि यहाँ पर ये तो बात समझ में आ गई होगी आपके लिए, कितने मान किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब सपोज दैट ये ना आया, अब ये इसके अलावा सवाल कैसे होंगे, हम आपको लिए बताते हैं जरा, देखिए ध्यान से कैसे बताते हैं। यहां पर सवाल ऐसे हो सकते हैं, अब मान लो आपके लिए एक पी एक्स दिया गया पॉलिनोमियल, और ये एक्स का है, एक्स का, तो पी एक्स आप बड़ा सा, थोड़ा सा बड़ा सवाल और हो सकता है। कैसे, अब मान लो एक्स की घात आपके लिए पांच है, और या मत रखो तीन रखो, एक्स की घात तीन माइनस दो एक्स स्क्वायर और प्लस का दो, चलो ये सवाल है। अब यहां पर ऐसी वैल्यू ना लेकर के, माइनस वन टू फोर ऐसी ना लेकर के आपको भिन्न में ले ली जाए, तो भिन्न में भी तो ले सकते हैं, भिन्न में भी तो दे सकते हैं, तो भिन्न की वैल्यू ले लो। तो मैंने ले लिया एक्स बराबर एक बटा दो। अब देखो एक बटा दो ले लिया, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा एक्स क्यूब है तो भाई रख दो पी एक बटा दो बराबर एक बटा दो की घात तीन माइनस दो एक्स स्क्वायर यानी एक बटा दो का स्क्वायर प्लस दो। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से इधर देखना और कहीं मत देखना, इधर देखना ध्यान से वरना समझ नहीं पाओगे। तो एक बटे दो का क्यूब करोगे तो भाई एक का क्यूब एक और दो का क्यूब आठ
माइनस दो गुणे एक का स्क्वायर एक और दो का स्क्वायर चार प्लस दो, ये आ गया। अब क्या करेंगे बच्चे देखो, दो से तो यह कट जाएगा तो यहाँ पर काटो मत, ऐसे ही लिख लो एक बटे आठ माइनस दो एक का दो बटे चार प्लस दो, और इसके नीचे कुछ नहीं है दो के नीचे, तो एक मान लो, एक मान लो और एलसीएम ले लो आठ, कितना ले लो आठ, आठ एलसीएम ले लिया। अब यहाँ भी आठ है यहाँ नहीं आठ है तो दो से गुणा कर लो और दो से ऊपर भी कर दो, यहाँ नहीं है आठ तो यहाँ आठ से गुणा कर लो और ऊपर कर दो आठ से, तो ये हो जाएगा एक माइनस दो दूनी चार और प्लस आठ दूनी सोलह, ये आ गया। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लो, तो भैया सॉल्व कर लेते हैं, क्या करें, चार में से एक गया तीन, माइनस का तीन हो गया, कितना हो गया माइनस का तीन, चार में से एक गया माइनस का एक बचेगा, यहाँ पर माइनस का तीन बचेगा एक गया, तो माइनस का इसलिए बचेगा क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस का तीन बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का तीन प्लस का सोलह और बटे में आठ है, तो सोलह में से तीन चला जाएगा, अब देखिए सोलह में से यहाँ पर तीन चला जाएगा आपके लिए, तो यहाँ पर आप बताइए कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा तेरह और बटे में आठ, तेरह बटे में आठ, तो ये आपके लिए वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू भिन्न में ही आएगी, तो जरूरी भी नहीं है भिन्न में आए, हालांकि अधिकतर वैल्यू जो भिन्न में होंगी वो भिन्न में ही आएंगी। तो आपके लिए यहाँ पर सीखा हमने कि कैसे हम छोटे समीकरण को हल करेंगे, कैसे हम बड़ी भिन्न को हल करेंगे, या कैसे वैल्यू को निकालेंगे। तो आप बच्चे ध्यान रखिए कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी जितने भी वीडियो इस चैनल पर आप देख रहे हैं अपलोड हो रही हैं, आप उन सभी वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना, तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा नॉलेज प्राप्त होगा जिससे कि आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने ये देख लिया कि ये वीडियो आपके लिए क्लास फिफ्थ से लेकर के नाइन्थ तक बहुत ही उपयोगी है, तो ये जो भी बच्चे आप देख रहे हैं बहुत ही ध्यान से देखिए और बार बार देखिए इसको, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। और हम ये आपसे कह रहे हैं कि जो है पेन और कॉपी को लेके बैठिए, तब आप धीरे धीरे वीडियो को चलाते जाइए और उसमें आप सॉल्व करते जाइए, तभी आपको बहुत ही अच्छा। अब मान लो कोई गलती हो गई, तो गलती हो गई तो वहाँ पर फिर से उसको देख लो यूट्यूब पर, फिर से आप वीडियो खोलो उसको, फिर से वही प्रश्न देखो, फिर से सॉल्व करो उसको, तो जब तक कि आपका आंसर सही ना आ जाए तब तक कि आप उसको करते रहिए, ठीक है ना। आई होप आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।